रोल ऑफ टीचर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट डी स्टूडेंट मुझे इस मॉड्यूल में आपसे लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से टीचर के किरदार पर बात करनी है सो आ टीचर शुड प्ले वेरियस रोल्स सच एस लर्नर टीचिंग के लिए सबसे लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट है फैसिलिटेटर एसेसर मैनेजर इवेल्यूएटर ये सारे रोल हैं जो टीचर को अदा करने होते हैं लैंग्वेज सिखाने के लिए अर्ली चल चाइल्ड हुड टीचर्स प्ले अ की रोल एज अ चिल्ड्रन डेवलपमेंट लिटरेसी तो बच्चों में लिटरेसी डेवलपमेंट के हवाले से टीचर को बहुत से रोल अदा करने हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया और आपको बताया कि टीचर लर्नर भी है फैसिलिटेटर भी है वो बच्चों की स्किल्स की असेसमेंट भी करता है वो मैनेज भी करता है और इवेलुएट भी करता है वायल दिस क्लस्टर डजेंट कवर द बेसिक्स ऑफ रीडिंग इंस्ट्रक्शन ये बेसिक जो बुनियादी रीडिंग के क्लस्टर्स को ये कवर नहीं करता इट ऑफर्स क्लास रूम टेस्टड वेज टू मेक कामन प्रैक्टिस लाइक रीडिंग ये क्लास रूम के आजमाए हुए जो तरीके हैं वो ए, उसकी कामन प्रैक्टिस के बारे में आगा करता है जैसा कि रीडिंग सो लैंग्वेज टीचर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू हेल्प स्टूडेंट्स मास्टर द फंडामेंटल ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज तो जो लैंगवेज का टीचर होता है वो ख़ास हदायत फ्राहम करता है बच्चों को अपने आ, मुखलिफ फंडामेंटल या बुनियादी लैंग्वेज की महारत, आ, महारतों को सीखने में और दर्नरली स्टार्ट विद द कोर एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक ग्रामर एंड फॉर्मेट तो बुनियादी तौर पर वो स्टार्ट करता है बुनियादी जो एलिमेंट्स हैं ग्रामर और उसके फॉर्मेट्स के बारे में एंड देन एक्सटेंड टू इन टू द मोर कॉम्प्लेक्स एक्सपैक्ट आस्पेक्ट्स तो तब मजीद वो एक्सपेंड करता है अपनी एक्टिविटीज को कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज या जुबान के कॉम्प्लेक्स पहलू हैं उनके हवाले से इवेंचुअली वर्किंग टू वर्ड्स अ गोल ऑफ बिकमिंग कंफर्टेबल स्पीक गोल कंफर्टेबल स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशनल डायलॉग तो इवेंचुअली जो है टीचर काम करता है कंफर्टेबल माहौल पैदा करने के लिए जिसमें बच्चे बातचीत कर सकें और गुफ्तु कर सकें द टीचर इज द गाइड एंड ऑब्जरवर ऑफ द टॉपिक ऑफ द क्लास तो टीचर का क्या है वो क्लास के टॉपिक का गाइड भी होता है ऑब्जरवर भी होता है और एज अ वेल अवेयर ऑफ द स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस और जो स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस को भी बहुत अच्छे तरीके से वो जानता है और वह समझता है अब वन बाई वन इन स्ट्रेटजीज को हम डिटेल से देख लेते हैं क्रिएटिंग अ स्पोर्टिव एनवायरमेंट स्पोर्टिव एंड लर्निंग एन्वायरमेंट तो उस्ताद की यह बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के लिए वो एक स्पोर्टिव लर्निंग एन्वायरमेंट क्लासरूम में बनाए तो टीचर प्लेस अ की रोल इन क्रिएटिंग अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट दैट फोस्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो बच्चों में लैंग्वेज को फोस्टर करता है इनकलकेट करता है उनमें उनको सिखाता है ट्रेन करता है दिस इंक्लूड्स इसमें शामिल होती हैं कौन सी सरगर्मियाँ कि क्रिएटिंग अ सेफ एंड वेल वेलकमिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट वो एक सेफ और वेलकमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे क्लासरूम में फिर प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंगरचुनिटीज़ फॉर इंटरेक्शन कम्युनिकेशन बच्चों को आपस में कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन करने के मौके फ़ाहम करें एंड ऑफरिंग सपोर्ट एंड इनक्रेजमेंट टू स्टूडेंट्स तो बच्चों को सपोर्ट इनक्रेजमेंट फ्राहम करें द टीचर्स रोल का वो अगर ये इस पिक्चर में आप देखें तो वो क्या है वो कंट्रोलर है वो ऑर्गेनाइजर है प्रैक्टिशनर है असेसर है और प्रॉम्प्टर uh, है रिसोर्स है वो टीचर और ट्यूटर है तो इस तरह की ये चीज़ें हैं जो उसके रोल हैं लैंग्वेज सिखाने के हवाले से वो ये रोल अदा करता है सो प्लानिंग एंड डेवलपिंग इफेक्टिव लेसन इफेक्टिव लेसन प्लानिंग एंड डिलीवरी आर एसेंशियल फॉर लैंग्वेज डिवेलपमेंट देखिए लैंग टीचिंग के लिए सबसे पहले लेसन प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है और फिर जो लेसन को इंप्लीमेंट करना वो टीचर की डिलीवरी कहलाता है सो टीचर शुड प्लान लेसन दैट आर Engaging एंड एंड चैलेंजिंग टीचर वो लेसन प्लान करता है जो बच्चों को इंगेज भी करते हैं और बच्चों के लिए चैलेंजिंग भी होते हैं आल्सो टेकिंग इन टू अकाउंट नीड्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स और उसमें बच्चों की अनफरादी ज़रूरियात या उनके इंफरादी जो यानी सब के लिए एक जैसी एक्टिविटीज़ ना रखी जाएँ बल्कि इंफरादी जो साहित्यों वाले बच्चे हैं उनके लिए भी वो एक्टिविटीज़ उसमें शामिल की जाएँ और प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड फीडबैक टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड इंप्रूव देयर लैंग्वेज स्किल्स तो बच्चों को क्लियर वाज हदयात दी जाए उनको फीडबैक फ्राहम किया जाए और ताकि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकें और अपने लैंग्वेज स्किल्स को वो इंप्रूव कर सकें यूजिंग अ कम्युनिकेटिव अप्रोच एक कम्युनिकेटिव अप्रोच वो तो टीचर्स रोल इन लर्निंग क्या है अ कम्यूनिकेटिव अप्रोच एफसाइजिज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मीनिंगुल कम्यूनिकेशन तो कम्यूनिकेटिव अप्रोच जो है यानि अबलागी अप्रोच जो है वो क्या है वो बहुत अहम है बहुत ज़ोर देती है मीनंगुल कम्यूनिकेसन की अहमियत पर और इंटरक्शन इन लैंग्वेज डिवेलपमेंट और लैंग्वेज डिवेलमेंट के हवाले से तलबा का और टीचर का आपस में इंटरेक्शन इस पर वो जोर देती है सो टीचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स तो बच्चों के लिए वो अपॉर्चुनिटीज फ्राम कर सकता है यूज लैंग्वेज वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्ट तो मुख्तफ कॉन्टेक्ट या बैकग्राउंड में वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करें इंक्लूडिंग थ्रू पेयर एंड ग्रुप वो पेयर और ग्रुप्स की शक्ल में उसमें शामिल करे और वर्क रोल प्लेंग एंड डिस्कशंस तो वह काम करे रोल प्ले करे और डिस्कशंस करें सो इनक्रेज लैंग्वेज डेवलपमेंट आउटसाइड द क्लासरूम क्लासरूम से बाहर भी वो टीचर इनक्रेज करे बच्चों को लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से मुख सरगर्मियों पर बाई प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल्स आउटसाइड ऑफ क्लास वो किस तरह की सरगर्मियाँ या किस तरह की प्रैक्टिस वाली सरगर्मियों के लिए उनकी रहनमाई करे सच एज थ्रू लैंग्वेज क्लब्स के वो बच्चों के लैंग्वेज क्लब्स बनवाए और कल्चरल इवेंट्स कल्चरल इवेंट्स में शामिल होने पर उनको आमादा करे इनक्रजिंग स्टूडेंट्स टू इंगेज विद एथेंटिक लैंग्वेज मटीरियल तो स्टूडेंट्स को अथेंटिक लैंग्वेज मटीरियल पढ़ने पर और उससे इंटरेक्ट करने पर आमादा करे और सच एज़ फिल्म एंड टेलीविज़न शोज़ तो फिल्म और टेलीविज़न शोज़ या ड्रामाज या कुछ और इस तरह की एक्टिवटीज़ में बच्चों को शामिल किया जाए तो इस तरह की ये सरगर्मियाँ हैं जिसमें टीचर अप लैंगवेज डिवलपमेंट के हवाले से अपना रोल अदा कर सकता है